नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। में हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जवारगंज वार्ड में एक तंग गली में अवैध रूप से बनाए जा रहे मार्केट कॉम्प्लेक्स को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई। तहसीलदार राजेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार सराफा चौक के समीप महेश साइकिल वाली इस गली में सूर्यकांत छनिया द्वारा नगर निगम तथा नगर एवं ग्राम निवेश के नियमों का उल्लंघन कर मात्र 6 फीट के रास्ते पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था, जबकि इसके लिए अनिवार्य चौड़ाई 12 मीटर निर्धारित है। उन्होंने बताया कि निर्माण को प्रथम दृष्टया अवैध पाए जाने के कारण आयुक्त नगर निगम द्वारा संपूर्ण सुनवाई के उपरांत अतिरिक्त निर्माण कोड दिखाने का आदेश पारित किया गया था। इसी क्रम में आज रविवार को एसडीएम आधारता नमा शिवाय अरजरिया के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। सूर्यकांत छनिया द्वारा इसके लिए अतिरिक्त नगर निगम की अनुज्ञा के बगैर बेसमेंट का भी निर्माण किया गया था। कार्रवाई में सीएसपी कोतवाली नायब तहसीलदार संदीप जायसवाल एवं नगर निगम का अमला मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई अभी भी जारी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर आपके प्रसाद उसके दबाव में कर रहे राजनेता नहीं नहीं कानूनी दिखा रहे लोगों ने आप मेरे से पहले नहीं चली नहीं जो गुंडागर्दी जो अधिकृत अधिकृत है क्यों है कि नहीं है नहीं नहीं कहने से नहीं होता सर नहीं नहीं आप पहले दिखाइए ना आपने तो नोटिस के पहले नहीं कहा एक मिनट में दिखा रहा हूँ व्हाइट पेपर दो अधिकार पत्र दिखा रहा हूँ कोर्ट में लो अधिवक्ता बल्ले लगाओ उस पर नहीं नहीं अभी आप पहले अपना नोटिस दिखाइए आप हम आपको अधिकार पत्र दे रहे हैं नहीं नहीं अभी दिखाएंगे आप सर। आज थाना कोतवाली अंतर्गत नगर निगम आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार एक अतिक्रमण की कार्रवाई थी, जहां पर एक गलत तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाया गया। उसी के पालन में आज जिला प्रशासन और पुलिस की टीम यहां पर सामंजस्य बनाते हुए कानून व्यवस्था बनाते हुए उस अतिक्रमण की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। उसमें जो भी व्यवस्थाएँ हैं वो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कर रहा है। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त के आदेश के क्रम में की जा रही है। सूर्यकांत झनिया नाम के जो प्रॉपर्टी धारक हैं उनके द्वारा नगर निगम के नियमों और विधियों का उल्लंघन करके मात्र 5 से 6 फीट की रास्ते में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, जबकि ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए लगभग 12 मीटर की सड़क की आवश्यकता थी और जो MOS एरिया होता है उसके ऊपर भी इनके द्वारा अवैध निर्माण किया गया है। आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में वर्तमान में ये कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। क्या बात है, इतना लेट कार्रवाई क्यों, कारण क्या था इसका? कुछ एक यहाँ सामग्री, चूँकि रास्ता काफ़ी संकीर्ण था और यहाँ सीधी मशीनरी से कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, इसीलिए यहाँ जो हथौड़े और इन सब या कटर इस सब के इकट्ठा करने में कुछ एक देर हुई है, विलम्ब का मात्र यही कारण रहा है। कागजी कार्रवाई को लेकर भी बात चली थी? नहीं, कागजी कार्रवाइयाँ सभी पूर्ण रूप से पहले से ही तैयार थी। थैंक यू। प्रारंभिक रूप से विरोध किया गया उनकी तरफ से, जो कुछ एक अधिवक्ता लोग भी यहाँ आए थे उनके द्वारा भी विरोध किया गया और जो भी बात है उसको रखने के लिए कोर्ट में वो लोग स्वतंत्र। थैंक यू। संडे के दिन बिना कोई आदेश के और बिना किसी नोटिस के और कोई भी ऐसी अपन को जानकारी दिए बिना अचानक ये पूरा तोड़ने के लिए आ गए हैं, जबकि अपना नक्शा भी पास है, सब कुछ है, सब कागजों के हैं। ये राजनीतिक दबाव के चलते हुए ये सब कार्रवाई की जा रही है, जो कि मैं कुछ जो यहाँ के असामाजिक तत्व हैं उनको मैं पैसे की डिमांड हो रही है मैं नहीं दे रहा हूँ, उसके तहत ये सब कार्यवाही राजनीतिक दबाव के चलते की जा रही है, जबकि मेरे पूरे कागज कंप्लीट हैं और अगर कहीं गलत है तो आप मुझे समय दें थोड़ा सा, मैं पूरा उसको अलग कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ गलत है ही नहीं, जो कुछ है सब क्लियर है। कितनी के करीब कंपाउंडिंग भरी आपने नगर निगम में, किस उसपे भी भरी आपने? कितनी कंपाउंडिंग है? 3 लाख, 3-3.5 लाख के आसपास कंपाउंडिंग भरी है मैंने। लगभग कितनी दुकानें इसमें हैं जो बनी? लगभग इसमें अभी नीचे 15 दुकानें बनी हुई। 15 दुकानें। प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई करनी है? ये कह रहे हैं कि सड़क से आप 10
दस बारह फीट छोड़ के बनाई है। और पहले तो ये कहा जा रहा था, फिर अचानक कहने लगी हम पूरा तोड़ेंगे, पूरा अवैध है। इसमें पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था रखी आपने यहाँ पर? नहीं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ। सुनना बताओ, सूर्यकांत छनिया। क्या? सूर्यकांत छनिया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।